सब्सक्राइब करें माधव एजुकेशन हब चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सबका माधव एजुकेशन हब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान एलडीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। सभी पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि कितनी रह सकती है राजस्थान एलडीसी की, कि आपको टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। देखो उन सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ माधव एजुकेशन हब चैनल में, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पोस्ट है एलडीसी की वो 11,255 पोस्ट थी, जिसमें 13,90,000 फॉर्म आए, 55% कैंडिडेट प्रजेंट हुए थे एग्ज़ाम में। तो इन सब को देखते हुए मैं आपको बताऊँगा कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखें हर पेपर जो है में 150 क्वेश्चन थे, हर पेपर 100 मार्क्स का था, तो इस हिसाब से और जो मिनिमम रिक्वायर्ड है क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% है, और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स थे। ठीक है, इन सब के इस सब पे डिपेंड करता है कि कितनी कट ऑफ अब जा सकती है। देखें सबसे पहले तो सबके मन में एक ही क्वेश्चन ज़रूर है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चार पेपर हुए इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो इन चारों पेपर्स में बात करी जाए तो इनका टफ लेवल भी अलग अलग था। फर्स्ट पेपर टफ था, सेकंड पेपर भी टफ था, और फिर जो थर्ड और फोर्थ हुए हैं वो मॉडरेट पेपर हुए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात करें तो ये टफ थे, और थर्ड वाले और फोर्थ वाले जो थे वो स्टूडेंट्स जो बताते हैं उस पास में बता रहा हूँ आपको, मॉडरेट लेवल के पेपर थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, मॉडरेट थे इनका टफ लेवल। तो जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन आरएसएमएसएस भी द्वारा हर बार किया जाता है, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वेश्चंस तुक्के लगा के आएंगे उनके नंबर्स कम हो जाते हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है एक दो पेपर में, तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। तो अब बात करते हैं कैंडिडेट्स जो पास कितने होंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, कितने कैंडिडेट पास होंगे, तो 3 गुना कैंडिडेट पास होंगे। तो 11,255 पोस्ट है तो 3 गुना हो गए लगभग 33,765 बच्चे आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 75 क्वेश्चन, यानी एक एक पेपर में 50% है, हर पेपर में 75 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 45% यानी 68 क्वेश्चन अगर ओबीसी कैंडिडेट्स के सही हैं तो वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और एससी कैंडिडेट्स के लिए 60 क्वेश्चन अगर सही हैं यानी 40% अगर सही है एससी कैंडिडेट के, तो बिल्कुल डेफिनेटली टाइपिंग टेस्ट की उसको तैयारी कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए आपको। और एसटी कैंडिडेट की 35% जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी 53 क्वेश्चन आपके नेगेटिव क्वेश्चन को हटा के, इसमें नेगेटिव भी 1/3 थी तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो इन सबको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको क्या लगता है कि कितनी हो सकती है कट ऑफ वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और देखो अब आते हैं ये कट ऑफ है, और इसके अलावा मैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग का होगा, दोनों 20-20 मिनट के होंगे, जिसमें से स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट का और 25 मार्क्स इसके होंगे, एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा 10 मिनट का और 25 मार्क्स इसके होंगे, तो 25-25-50, और दोनों पेपर के 50×2 आपके 200 यानी 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये नहीं है कि आपके अगर नंबर कम भरने हैं तो आप इसकी तैयारी नहीं करें टाइपिंग की, अगर आपके नंबर कम भरने हैं लेकिन टाइपिंग अच्छे बन जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन में आपका हो जाएगा, क्योंकि 100 नंबर मैटर करते हैं। किसी किसी की मतलब रीडिंग तो बेकार होती है लेकिन टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो स्टूडेंट अच्छा गेन कर सकते हैं इसमें। तो आप बिल्कुल भी हताश नहीं हो कि आपके नंबर कम बन रहे हैं, ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन दोनों नंबर पर डिपेंड करेगा। तो आप बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी करते रहें, इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कट ऑफ जाने वाली, मैंने स्टूडेंट से जहाँ तक कन्फर्म करा है। इसके अलावा आपकी कोई क्वारीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।